ਤਸਵੀਰ ਭੇਜਦੀ ਆ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਛੱਪ ਜਾਏਗੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣਾ ਹਾਂ के लिए दावा देना चाहता हूँ उस शख्स को जो ताजरों की जान है, जो चादरों की शान है, जिसने ताजरों के लिए दिन रात त्याग किया, जिसने इस मजहब के लिए दिन रात त्याग किया, जिसने बेशक शराब हो, जलजला हो, हर जगह पर फुल पेज पर होता है, अपने तमाम ताजरों को लेकर अब मैं ताकत खिताब देना चाहता हूँ शेख रियाज सदर अंजुमन ताजरों जिला रहमान रहीम। मेरे भाइयों, मेरे उकाड़ा के ताजरों, मेरे अजीजों, मेरे नबी के गुलामों, कुरान के आशिकों, मैं आपको आज मुबारकबाद देता हूं कि अल्लाह के फजल और करम से मेरा खुदा देख रहा है, मेरा खुदा देख रहा है कि मेरे कुरान के लिए कौन कौन बाहर निकला है। मैं किसी को गिला शिकवा नहीं करता। मैं आज आपकी नजर फ्रांस मुल्क के ऊपर दुराता हूं जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताही की। आज उस मुल्क का हाल क्या हुआ है, पूरे मुल्क में अल्लाह के फजल और करम से आग लगी हुई है और वो दिन दूर नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो दिन दूर नहीं है के स्टूडेंट का भी इससे बुरा हाल होगा। बताओ कि हम इधर रहने के लिए नहीं आए, हमने वापस लौट कर जाना है। हम आशिक हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, जुनो जिस अल्लाह ने हमें चुना है। जो यहूदरन सारा आज दिन हमें टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि इनके अंदर कितना दम कम है। खुदा की कसम, ये महल छोड़ जाओगे, ये बादशाहत छोड़ जाओगे, तुम्हारा नामो निशान नहीं होगा। अगर नामो निशान होगा तो मेरे नबी का होगा, मेरे नबी का होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये अंजुमन ताजरान, मैं आपसे आखिर में एक दुआ भी करवाना चाहता हूँ कि शायद अल्लाह तबारक ताला मेरे इस नेक अमल की वजह से ये मेरी दुआ कबूल हो जाए। आपने सब आमीन कहना है कि दुआ करनी है कि जब शेख रियाज इस दुनिया से जाए वो शहादत का रुतबा लेकर जाए। आमीन। शेख रियाज जब जाए तो शहादत का रुतबा लेकर जाए। जब मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर हाजिर हूँ तो मैं कहूँगा अल्लाह मैं तेरे नबी की खातिर आया, तेरे दीन की खातिर आया। मुझे नहीं चाहिए जो बंदा हमारे दीन की, हमारे कुरान की, मेरे प्यारे नबी की, मेरे सहाबा कराम की कोई बेइज्जती करे। मैं तो पंजाबी में जो कहूंगा अकबर भाई उसकी ऐसी की तैसी।
हमारे मुल्क में आके ऐसा काम करो, तुम्हारी पोटियां हम कौओं के आगे डाल देंगे, तुम्हारी चुड़ैल किस तरह हुई। मैं तमाम मुसलमानों को कहता हूं, आज मेरी आवाज सुन लो, वो खबीस आदमी जहां भी वो आपको नजर आ जाए, वो वाजिब कत्ल है, कत्ल है, कत्ल है, उसको छोड़ना नहीं है। जिस तरह गाजी इल्मुद्दीन शहीद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बशारत हुई, तो इंशाल्लाह ताला इसको भी मानने वाला वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद ही होगा। मेरे भाइयों, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के ऊपर है, दीन के ऊपर है। आज मैं अपने कमांडर इन चीफ आसिम मनीर साहब को, जो हाफिज भी है, उनके सीने में कुरान भी है, और मैं अपने प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब को दरख्वास्त करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कल जो उन्होंने काल दी है उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं, और हम ताजर स्याह पट्टियाँ बांध कर कल योम स्याह भी मनाएंगे। लेकिन योम स्याह खाली नहीं, अगर इन्होंने दोबारा हरकत की तो इंशाल्लाह ताला हम जहाद के लिए आपसे इजाजत भी नहीं लेंगे और हम इनका मुकाबला करेंगे, और इंशाल्लाह ताला होगी। वा आखिरुना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।